कपकोट पुलिस ने गुमशुदा किशोरी को बरामद करने में सफलता हासिल की है। कपकोट पुलिस ने बताया कि इसी महीने की 13 तारीख को वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापता किशोरी को तत्काल बरामद करने के आदेश दिए थे। कपकोट थाना अध्यक्ष खुशवंत सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तलाश करते हुए लापता किशोरी को आकाश रस्तोगी पुत्र संजय रस्तोगी निवासी मधुबिहार दिल्ली के पास से बरामद किया है। आरोपी आकाश रस्तोगी किशोरी को हल्द्वानी लेकर आया था, जिसे बाहर ले जाने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है तथा लापता किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।